देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का कार्य हो रहा है। इसी कड़ी में गांव जमालपुर में पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में संजीव बालियान, राज्य मंत्री मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी भारत सरकार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर जिले में 75 नए सरोवर बनाने का आह्वान किया था। पीएम मोदी की अपील का असर हुआ है और लगभग 5,500 अमृत सरोवर बनाया जाना निर्धारित है। गर्मी की दस्तक के साथ गुरुग्राम के पटौदी के आसपास क्षेत्र में बड़े हिस्से में जल संकट गहराने लगता है। इसकी वजह जल संरचनाओं का मैदान में बदलना है। आजादी के अमृत महोत्सव पर राज्य में लगभग 5,500 अमृत सरोवर बनाए जाने वाले हैं। अमृत सरोवर बन जाता है और जल का संग्रहण हो जाता है तो आने वाले वर्षों में जल संकट से मुक्ति की संभावना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर जिले में 75 नए सरोवर बनाने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अपने पैतृक गांव जमालपुर पहुंचे। सभी ग्रामवासियों ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। उनके साथ पटौदी के मौजूदा विधायक सत्य प्रकाश जरावता व पटौदी के आला अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही उनके साथ लखन सिंह शिखोपुरिया, जयंत चौधरी, रणधीर कापड़ीवास और काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मंदिर में पौधारोपण भी किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है जमालपुर गांव में। सभी लोगों के साथ मिलकर के जोहड़ की खुदाई का काम शुरू किया है और गुड़गांव प्रशासन के साथ भी जो जमालपुर का जोहड़ है इसका वापस से जनोद्धार करके एक आदर्श तालाब के रूप में बदलने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक हमारी लंबी समस्या फरुखनगर से लेके 5 गांव तक की सड़क की थी। अमृत सरोवर का कार्यक्रम शुरू किया है जमालपुर गांव में। सभी लोगों के साथ मिलकर के जोहड़ की खुदाई का काम शुरू किया है और गुड़गांव प्रशासन के साथ ये जो जमालपुर का जोहड़ है इसका वापस से जीर्णोद्धार करके एक आदर्श तालाब के रूप में बदलने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक हमारी लंबी समस्या फरुखनगर से लेकर पंजगांव तक की सड़क की थी, उसके भी यहाँ पर डीसी ने साहब ने आकर के जो विषय कहा है उसकी टेंडर की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी, उसको प्रारंभ करेंगे। हमारे सांसद दुष्यंत गौतम जी के द्वारा जो जमालपुर को आदर्श गांव लिया गया था, गांव में सामुदायिक केंद्र, गांव में वेटरनरी हॉस्पिटल, गांव में सड़कें और विशेष रूप से जमालपुर चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है, चारों तरफ लॉजिस्टिक जोन आ गया है, इसलिए एक एसटीपी की आवश्यकता थी, उसकी भी जो मंजूरी है इस गांव में दे करके आदर्श गांव के रूप में आगे बढ़ा। सर डेवलपमेंट के नाम पर जमीन है क्या यहाँ? एसटीपी की जमीन है पूरा कर लिया है, उस तरफ जो है जगह भी उपलब्ध है उसको पूरा कर प्राइवेट नहीं पंचायत की जमीन। सर डेवलपमेंट के नाम पर रेवाड़ी का जो 4-लेन हाईवे बनना है वहाँ से हजारों पेड़ काट दिए गए, अभी कोई नए पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेड़ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए है और विशेष रूप से अरावली का ये जो जोन है इसको डेवलप करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको ये ध्यान में आएगा कि भारत में कुछ जगहों पर जहाँ इको रेस्टोरेशन बहुत अच्छा हुआ है उसमें जन भागीदारी के सहयोग से गुड़गांव में किया है। हम ग्रीन गुड़गांव का कार्यक्रम भी चला रहे हैं और मानेसर से लेकर के नूह तक जो हमारा अरावली का एरिया है वहाँ पर अब कल जो मुख्यमंत्री जी से बात हुई है एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय सफारी बनाने का भी कार्य। सर आगे कुछ मुहिम चलाई जाएगी विकास के नाम पर पेड़ ना काट करके उन्हें कहीं और जो है शिफ्ट कर? मुहिम चलाई ही जा रही है, आप भी आके सहयोग दो, अगली बार पेड़ लगाऊं तो आप जरूर देखने। उसके भी यहाँ पर डीसी ने अपने आकर जो विषय कहा है उसकी टेंडर की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी, उसको प्रारंभ करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सांसद दुष्यंत गौतम जी के द्वारा जो जमालपुर को आदर्श गांव लिया गया था, गांव में सामुदायिक केंद्र, साथ ही गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, साथ ही उन्होंने कहा कि जमालपुर के आसपास लॉजिस्टिक हब बन रहा है, चारों तरफ लॉजिस्टिक जोड़ा जाएगा, इसलिए एसटीपी की आवश्यकता थी।
उसकी भी जो मंजूरी है इस गांव में देख करके आदर्श ग्राम के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को एक ग्रीन जोन बनाने की कवायद है, केंद्र सरकार के साथ चल रही है। अरावली की पहाड़ियों को जल्दी हम पहले जैसा हरा भरा करने की हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पटौदी की मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरावता, पटौदी के आला अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही उनके साथ लखन सिंह शिकोपुरिया को, जयंत चौधरी, रणधीर कापड़ीवास और काफी संख्या में पटौदी के पदाधिकारी मौजूद रहे।